हेलो एवरीवन, मेरे रिद्धिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं पहले दो फोल्ड कपड़ा रख ली। ये मेरा कपड़ा 2 मीटर है। दोनों में दो फोल्ड करके मैं दोनों मुंह को ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए, मैं पूरे ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए, वैसे ही इस तरफ भी मैं सिलाई कर लूँगी। दोनों तरफ सिलाई मैं कर चुकी हूँ। तो देखिए, मैं पहले 14 इंच पर रखूँगी। 14 इंच लेकर इसे हम पूरे लंबाई में एक सिलाई और चला दूँगी। ये सिलना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए, मैं पूरे में ये सिलाई ले लूँगी। इसे ध्यान देना है कि 14 इंच आपको लेना ही लेना है, नहीं तो अच्छे से ये पजामा नहीं कटिंग हो पाएगा। देखिए, मैं पूरे में सिलाई लगा चुकी हूँ। देखिए, मैं इसे फोल्ड कर दी हूँ। इसे पूरे कोने को पहले मैं कट लगा दूंगी, ताकि मेरा कैंची अच्छे से कटिंग कर पाए। देखिए, इसे मैं कट लगा दूंगी। वैसे ही मैं दूसरे साइड भी कटिंग कर लूंगी। देखिए, कट लग गया। इससे पहले मैं अच्छे से देखिए मैं अच्छे से इधर से मैं 14 इंच इधर से भी मैं 14 इंच ही लूँगी। ये अपने अनुसार लेते हैं। देखिए, मैं क्योंकि जिसका मैं कटिंग कर ली हूँ वो 14 इंच ही उनका नाप है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 15 इंच भी कर सकते हैं, 13 इंच भी कर सकते हैं, अपने अनुसार लेना है। क्योंकि मैं तो 14 इंच और इधर से 1 इंच कम लेते हैं। देखिए, मैं 1 इंच कम ली हूँ, ताकि जो यहाँ मियानी में लगाऊंगी तो यहाँ तिरछा होना चाहिए। इधर से नीचे से 6 इंच में रखूंगी मोहरी की तरफ, क्योंकि चूड़ीदार पजामा में ज़्यादा फैल तो नहीं रख सकते हैं हम। 6 इंच में पूरे में मैं लाइनिंग दे दूंगी। यहाँ से मैं तिरछे उस लाइन में ज्वाइंट कर दूंगी। देखिए, मैं पूरे में फिर वैसे ही मैं कटिंग कर दूंगी।
देखिए वैसे ही मैं दूसरा भी कटिंग कर दूंगी, सेम वैसे ही कटिंग करना है। इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं करना है, जितना है उतना ही पर कटिंग करना है, नहीं तो इधर उधर खिसक जाएगा फ्रेंड्स। दोनों फोल्ड मेरा तैयार हो गया, तो चलिए इसमें मियाने के लिए मैं कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। इसे हम तिरछी कटिंग करते हैं। तो चलो चलते हैं मशीन पर। दोनों पल्ले को मैं पहले ज्वाइंट करूंगी। देखिए मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए मैं एक पल्ला ज्वाइंट कर दी, दूसरे तरफ भी ज्वाइंट करूंगी। देखिए ऐसे ही मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी, तो मैं डोरी के लिए होल बनाऊंगी। देखिए डोरी के होल के लिए मैं 1.5 इंच कपड़ा नहीं इस पर सिलाई करूंगी। रॉन्ग साइड में दूसरे 2 धागा लगा दूंगी ताकि मजबूत हो जाए। तो चलिए होल के लिए मैं देखिए 1/2 इंच इधर से कपड़ा मैं फोल्ड कर दूंगी। हाफ इंच इधर से भी, ये दोनों कपड़ा रॉन्ग साइड ही मोड़ना है। देखिए देखिए वैसे ही मोड़ के मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। चलिए मैं मियानी को अटैच कर लेती हूँ। मियानी लगाने से बहुत सारा फायदा होता है, ताकि चूड़ीदार पजामा में
बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसीलिए मैं मियानी को अटैच कर लेती हूँ। आप लोग जो बोलती होंगी, मैंने तो मियानी ही मेरी तरफ सब कोई बोलता है इसको। तो मोहरी को मैं टू फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैं बीच से सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरा इधर उधर नहीं कपड़ा खिसके। देखिए वैसे ही मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। अपने अनुसार फिटिंग देना है इसमें, जिसको जितना को फिटिंग देना होगा आप दे सकती हैं। यदि ये मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि मेरा भी वीडियो आप लोग का पसंद आ रहा है। देखिए मेरा पूरा लुक ऐसा आया है, इसमें चूड़ीदार में चुनट भी आएगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।